मेरा नाम करण हरिहरन है एंड आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ लक्ष्य. इस फिल्म का सबसे स्पेशल बात है कि एक थ्रिलर है, पर थ्रिलर के साथ सब कुछ है इसमें. थोड़ा रोमांस है, थोड़ा एक्शन है, थोड़ा क्या कहते हैं ड्रामा भी है, पर मोस्टली थ्रिलर है. और द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस फिल्म, तीन शब्द है मेरे पास, पवन राज मल्होत्रा. क्या होता है कि हम सब सात दोस्त गोवा जाते हैं और हादसा हो जाता है, मुझे सर पे कोई मारता है और यादाश्त खो जाता है मेरा. और फिर उसके बाद पवन सर के जो कैरेक्टर है अली अंसारी, उनके ही यूजेस मी टू हेल्प हिम सॉल्व द केस. वॉलीबॉल खेलते थे शॉट के बीच में, क्रिकेट खेलते थे, कभी कभी पूल का शॉट रहता था तो पूल में चिल करते थे, तो वो बहुत कुछ करने मिला वहाँ पे. बारिश के टाइम भी था तो कभी कभी क्या होता, हम सब तैयार हो यार होके चलो हम लोग बीच पे जाते हैं, निकल जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, हम सब ऐसे खड़े यार चल पत्ते खेलते रूम में, चेंज हो जाता है इमीडिएटली. मैं सर को पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ. मैं 100 किलो का था पहले कर गया था, और मैं तभी सर से बोला सर मुझे एक्टर बनना है, और मुझे वो तब देख के बोले ठीक है. और मैं फिर एलए गया, वहाँ पे दो साल पढ़ाई किया मैं एक्टिंग का, और थिएटर किया वहाँ पे, फिर यहाँ आया, यहाँ थिएटर किया हूँ. और सर से मेरा एक दिन और बोला सर हाय सर, और वो चौंक गए कि यार तू कैसा था और कैसा हो गया, एक काम कर तू ऑफिस आ जा कल. मैं बोला ठीक है सर मैं आता हूँ. मुझे लगा सर शायद मुझे एडी करने बुला रहे हैं या कुछ दिखाने जा रहे हैं कि करण आपका ओपिनियन दे दो मुझे. और फिर सर ने बोला नहीं ऑडिशन तैयार था, और मैं तो थोड़ा डर गया कि यार सर ने बताया नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं कैरेक्टर के बारे में, क्या करूँ मैं, अरे यार ठीक है सर दे दो कर लूँगा. और फिर किया मैंने, 15 मिनट सर ने दिया, ऑडिशन दिया, और शाम को फ़ोन आया करण आई रियली लाइक व्हाट यू डिड, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट मूवी. और हाँ हम सब काफ़ी करीब हैं, वो आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा. हम सब एक दूसरे के साथ, मतलब ऑन सेट भी और ऑफ सेट भी, हम लोग एक दूसरे के साथ ही चिल करते हैं. वीकेंड्स पे हम लोग एक साथ बैठ के मनाते हैं. और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आपके बिना तो मैं कुछ नहीं रहूँगा. और मैं और प्रोजेक्ट्स लाते रहूँगा और आपको एंटरटेन करते रहूँगा. थैंक यू.